हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा और आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको एक एक टॉपिक ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल पावर को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन करना, ठीक है, ट्रांसमिट करना। देन ट्रांसमिशन लाइन इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सोना हुआ, सिल्वर हुआ, जिसको चांदी भी बोलते हैं। तो ये सब कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज्यादा यूज होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में प्रेफर करते हैं ओवर कॉपर। कॉपर के अपेक्षा हम लोग यूज करते हैं किसका, एल्युमिनियम का। क्यों इसका यूज होता है, क्यों हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं, क्यों कॉपर का यूज नहीं करते हैं। इसलिए यूज करते हैं एल्युमिनियम का क्योंकि ये लो कॉस्ट होता है और वेट ऑफ एल्युमिनियम इज लेस। कॉपर के अपेक्षा जो एल्युमिनियम का वेट होता है वो भी कम होता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं एल्युमिनियम को ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए। तो ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए जो हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड, ठीक है। ये मेन होता है हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए। तो एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम क्या होता है, एज ए कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है। और जो स्टील होता है वो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें यूज करते हैं किसका, ACSR का। अगला पॉइंट, जनरेटिंग स्टेशन को लोड से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। जहां से हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन। तो वहां से लोड तक, मान लेते हैं जो हमारा घर है जहां तक हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज रहे हैं वहां तक, ठीक है। इन दोनों के बीच में, जनरेटिंग स्टेशन और लोड के बीच में जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो जनरेटिंग स्टेशन और लोड से, लोड को कनेक्ट करने के लिए, जनरेटिंग स्टेशन से लोड को कनेक्ट करने के लिए या जनरेटिंग स्टेशन को लोड से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। तो मान लेते हैं, इस फिगर से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं जनरेटिंग स्टेशन है जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं और ये मान लेते हैं लोड है, ठीक है। तो इनके बीच में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन को लोड से कनेक्ट करने के लिए जिस लाइन का यूज करते हैं हम इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं R, C, L और G। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, एल क्या है, इंडक्टेंस है, और जी क्या है, और जी है कंडक्टेंस, ठीक है। आर, एल, सी और जी का यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर के रूप में। ये चारों जो होते हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें आर, एल, सी और जी जो होते हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि एक जनरेटिंग स्टेशन है जिस, ठीक है जी, और यहाँ पे लोड है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज किए हैं ट्रांसमिशन लाइन का। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा इसको बोलेंगे Vs और यहाँ का जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे Vr। तो Vs क्या होगा, Vs को कहेंगे सेंडिंग एंड वोल्टेज और जो Vr है उसको बोलेंगे रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। Vs क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और Vr क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है।
तो जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो निश्चित सी बात है कि इसमें लॉसेस होंगी, ठीक है। इन्हीं लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। हमारा कोशिश यही रहता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कम से कम पावर लॉस हो। तो कम से कम पावर लॉस होने के लिए क्या करना होगा और कैसे पावर लॉस होगा, जब Vs ज्यादा होगा Vr से, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है रिसीविंग एंड वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो वहां पे पावर लॉस होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करने में कोशिश करते हैं कि पावर लॉसेस मिनिमम हो, कम हो। तो ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो हमारा कोशिश यही रहता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कम से कम पावर लॉस हो। पावर लॉस तो होगा, निश्चित सी बात है कि इसमें पावर लॉस होगा, लेकिन हमारा कोशिश यही रहता है कि कम से कम पावर लॉस हो। पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड ऑन जो R, L, C और G है, यह चारों जो पैरामीटर हैं ट्रांसमिशन लाइन के, वो किस पे डिपेंड करता है? लाइन ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। मटेरियल किस प्रॉपर्टीज की है, उस मटेरियल का जो गुण है वो कैसा है, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन को, ठीक है। तो इन तीनों पर डिपेंड करता है ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर। तो लाइन ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो यह हो गया ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित बहुत सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना होगा, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो आने वाला होगा, वीडियो जो लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।